भारत का संविधान विषय सूची उद्देशिका भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद एक संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दो का निरसित तीन नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन चार पहले अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन के अधीन बनाई गई विधियां भाग दो नागरिकता पांच संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता छह पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार सात पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार आठ भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार नौ विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना दस नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ग्यारह संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना भाग तीन मूल अधिकार साधारण बारह परिभाषा तेरह मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां समता का अधिकार चौदह विधि के समक्ष समता पंद्रह धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध सोलह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता सत्रह अस्पृश्यता का अंत अठारह उपाधियों का अंत स्वातंत्र अधिकार उन्नीस वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण बीस अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इक्कीस प्राण और दैहिक स्वातंत्र का संरक्षण इक्कीस का शिक्षा का अधिकार बाईस कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण शोषण के विरुद्ध अधिकार तेईस मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध चौबीस कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पच्चीस अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता छब्बीस धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सत्ताईस किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदर्भ के बारे में स्वतंत्रता अट्ठाईस कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार उनतीस अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तीस शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इकतीस निरसन कुछ विधियों की व्यावृत्ति इकतीस का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति इकतीस ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण इकतीस ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति इकतीस घ निरसित संविधानिक उपचारों का अधिकार बत्तीस इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार बत्तीस का निरसित तैतीस इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति चौतीस जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन पैतीस इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान
भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व। छत्तीस परिभाषा। 37 इस भाग में अंतर्वेष्ट तत्वों का लागू होना। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और न्याय मानोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 का सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 का मूल कर्तव्य। 51 का मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ। अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 52 भारत का राष्ट्रपति। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 राष्ट्रपति की पदावधि। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 63 भारत का उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पदावधि। 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश
के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 70 संघ की क्या की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद। 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध महान्यायवादी। 76 भारत का महान्यायवादी। सरकारी कार्य का संचालन 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 संसद साधारण। 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 संसद के की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। संसद के अधिकारी। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 93 जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 संसद का सचिवालय। कार्य संचालन। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 सदनों में मतदान शक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निर्हताएं। 101 स्थानों का रिक्त होना। 102 सदस्यता के लिए निर्हताएं। 103 सदस्यों की निर्हताओं के संबंध में प्रश्न पर विनिश्चय। 104 अनुच्छेद 99 के अधीन। 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निराहित किए जाने पर बैठक पर बैठने और मत देने के लिए शासित। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। 107 विधेयकों के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयकों पर अनुमति। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 विनियोग विधेयक। 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक
अनुदान 116, लेखानुदान, प्रत्यायानुदान और अपवादानुदान। 116 लेखानुदान, प्रत्यायानुदान, प्रत्यायानुदान और अपवादानुदान। 116 लेखानुदान, प्रत्यायानुदान और अपवादानुदान। 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, साधारणतः प्रक्रिया। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। 103 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। 124 उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 ख राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 124 ख आयोग के कृत्य। 125 ग विधि बनाने की संसद की शक्ति। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 131 क निरसित। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 क उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। 139 क कुछ मामलों का अंतरण। 140 उच्चतम न्यायालय की अनुसंगिक शक्तियां। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों द्वारा अबाधकर होना। 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 144 ख निरसित। 145 न्यायालय के नियमों के नियम आदि। 145 न्यायालय के नियम आदि। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा वे। 147 निर्वाचन। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। 151 संघ परीक्षा प्रतिवेदन भाग 6 राज्य अध्याय 1 साधारण। 152 परिभाषा।
अध्याय दो कार्यपालिका राज्यपाल, 153 राज्यों के राज्यपाल, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल की पदावधि, 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, 158 राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें, 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद, 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, राज्य का महाधिवक्ता, 165 राज्य का महाधिवक्ता, सरकारी कार्य का संचालन, 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल साधारण, 168 राज्यों के विधानमंडल, 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन, 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन, 170 विधानसभाओं की संरचना, 171 विधान परिषदों की संरचना, 172 राज्य के विधानमंडलों की अवधि, 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं, 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन, 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, सदस्यों की निर्हताएं, 190 स्थानों का रिक्त होना, 191 सदस्यता के लिए निर्हताएं, 192 सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित ना होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित राज्यों के विधानमंडलों और
उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां, 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि, 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया 196 विधेयकों के पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 199 धन विधेयक की परिभाषा 200 विधेयकों पर अनुमति 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 202 वार्षिक वित्तीय विवरण 203 विधानमंडल में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया 204 विनियोग विधेयक 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान 206 लेखानुदान प्रत्यायानुदान और अपवादानुदान 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध साधारणतया प्रक्रिया 208 प्रक्रिया के नियम 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 216 उच्च न्यायालयों का गठन 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226 का निरसित 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण 228 का निरसित 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा वे उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती 235 अधीनस्थ
235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, 236 निर्वाचन, 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। भाग सात पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, 238 निरसित। भाग आठ संघ राज्य क्षेत्र, 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन, 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, 239 क संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, 239 ख विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति, 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, 242 कोडगु निरसित। भाग 9 पंचायत, 243 परिभाषाएं, 243 क ग्राम सभा, 243 क पंचायतों का गठन, 243 ग पंचायतों की संरचना, 243 घ स्थानों का आरक्षण, 239 अंग पंचायतों की अवधि आदि, 243 च सदस्यता के लिए निर्हताएं, 243 छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, 243 या पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 ठ संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 243 अंग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, 243 ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, 243 अण निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9 का नगरपालिकाएं, 243 त परिभाषाएं, 243 थ नगरपालिकाओं का गठन, 243 द नगरपालिकाओं की संरचना, 243 ध वार्ड पंचायतों आदि का गठन और संरचना, 243 न स्थानों का आरक्षण, 243 प नगरपालिकाओं की अवधि आदि, 243 फ सदस्यता के लिए निर्हताएं, 243 ब नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 भ नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, 243 म वित्त आयोग, 243 य नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 य क नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन, 243 य ख संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 243 य ग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, 243 य घ जिला योजना के लिए समिति, 243 य अंग महानगर योजना के लिए समिति, 243 य च विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, 243 य छ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9 ख सहकारी सोसाइटियां, 243 य ज परिभाषाएं, 243 य झ सहकारी सोसाइटियों का निगमन, 243 य यहां बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि, 243 य ट बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, 243 य ठ बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध, 243 य सहकारी
सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा 243 यह साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना 243 यह सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार 243 यह विवरणीय 243 यह था अपराध और शासितियां 243 यह द बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना 243 यह ग संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना 243 यह न विद्यमान विधियों का जारी रहना भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 244 क असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय 1 विधायी संबंध विधायी शक्तियों का वितरण 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति 248 अविशिष्ट विधायी शक्तियां 249 राज्य सूची के 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसे विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना 243 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध साधारण 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण 257 का निरसित 258 कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति 258 का संघ के कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति 259 का निरसित 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां जल संबंधी विवाद 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन राज्यों के बीच समन्वय 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध भाग 12 वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद अध्याय 1 वित्त साधारण
64 निर्वचन, 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखें, 267 आकस्मिकता निधि, संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, 268 का संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले और संघ द्वारा संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले सेवा कर, 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, 270 उद्ग्रहित कर और उसका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के परियोजनों के लिए अधिभार, 272 निरसित, 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान, 274 ऐसे कराधान पर जिनमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा, 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, 276 वृत्तियों व्यापारों आजीविकाओं और नियोजनों पर कर, 277 व्यावृत्ति, 278 निरसित, 279 शुद्ध आगम आदि की गणना, 280 वित्त आयोग, 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध, 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि, 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा, 285 संघ की संपत्ति और राज्य के कराधान से छूट, 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन, 287 विद्युत पर करों से छूट, 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट, 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन, 290 का कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय, 291 निरसित, अध्याय 2 उधार लेना, 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, 293 राज्यों द्वारा उधार लेना, अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद, 294 कुछ दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, 295 अन्य दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, 296 राजगामी या व्याप्गत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति, 297 राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना, 298 व्यापार करने आदि की शक्ति, 299 संविदाएं, 300 वाद और कार्यवाहियां, अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार, 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना,
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन, 305 विद्वान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, 206 निरसित, 207 अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अध्याय 1 सेवाएं, 308 निर्वचन। संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें, 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंग्रहित करने की संसद की शक्ति, 313 संक्रमणकालीन उपबंध, 314 निरसित, अध्याय 2 लोक सेवा आयोग, 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाए जाना और निलंबित किया जाना, 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति, 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य, 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय, 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग 14 का अधिकरण, 323 का प्रशासनिक अधिकरण, 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन, 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, 325 धर्म मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, 329 का निरसित। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 331 लोकसभा में अंगला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, 332 राज्य के विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, 333 राज्यों की विधानसभाओं में अंगला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना, 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, 336 कुछ सेवाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध, 337 अंगल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, 341 अनुसूचित जातियां, 342 अनुसूचित जनजातियां। भाग 17 राजभाषा, अध्याय 1 संघ की राजभाषा, 343 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं, 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, 346 कुछ राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, 343 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, 349 भाषा के संबंध में कुछ विधियों अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, अध्याय 4 विशेष निर्देश, 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, भाग 18 आपात उपबंध, 352 आपात की उद्घोषणा, 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, 359 का निरसित, 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, भाग 19 प्रकीर्ण, 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण, 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों
की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। ख लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हता। 362 निरसित। 363 कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की संपत्ति और निजी थैलियों का अंत। 364 महापत्नों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता के का प्रभाव। 366 परिभाषाएं। 367 निर्वचन। भाग 20 संविधान का संशोधन। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति, मानो वे संवर्ती सूची का विषय हो। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 271 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 या कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। 379 से 391 निरसित। 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 393 संक्षिप्त नाम। 394 प्रारंभ। 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। 395 निरसन अनुसूचियां। पहली अनुसूची सूची एक राज्य दो संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची भाग क राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध। भाग ख निरसित। भाग ग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य के विधानसभा
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध, भाग घ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, भाग अंग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, भाग क साधारण, भाग ख अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, भाग ग अनुसूचित क्षेत्र, भाग घ अनुसूचित अनुसूची का संशोधन, छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, सातवीं अनुसूची सूची एक संसूची, सूची दो राज्य सूची, सूची तीन समवर्ती सूची, आठवीं अनुसूची भाषाएं, नवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता के बारे में उपबंध, ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार और दायित्व, परिशिष्ट एक संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना आदेश 1924, परिशिष्ट दो संविधान के उन अपवादों और उपांतरणों के जिनके अधीन संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होता है, वर्तमान पाठ के प्रति निर्देश से पुनर्कथन, उपबंध संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 अनुकर्मणिका, भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।